नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। हलचल मची हुई है इस समय उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी सहित कई विधायक पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में 7 से 8 विधायक पहुंचे पार्टी कार्यालय। अखिलेश यादव से मुलाकात होगी और किसकी मुलाकात हो सकती है समझिए। बसपा का जो अगला विकल्प हो सकता है यानी कि चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पूरा दलित मौर्य कुशवाहा कुनबा इस समय अखिलेश यादव का साथ देते हुए, क्या ये माना जाए कि अब कुछ नया समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम हलचल के साथ अहम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंद्रशेखर रावण पहुंच चुके हैं सपा कार्यालय। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलजी सपा गठबंधन की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आरएलजी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को, अपने योद्धाओं को उतार दिया है। आरएलजी के 29 टिकटों में 10 सपा के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर लड़ेंगे, 10 आरएलजी के प्रत्याशी। देखिए किस तरीके का उलटफेर है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये लिस्ट जो जारी हुई है ये लिस्ट नहीं धमाका है। प्रत्याशियों का नाम है और प्रत्याशियों के नाम के साथ में इस बात को भी डिसाइड किया गया है कि आखिरकार कौन किसके सिंबल पर लड़ेगा। आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। किस तरीके से चीजें डिसाइड हुई हैं उस बात को समझना पड़ेगा। यहां पर सपा के सिंबल पर जो लड़ेंगे वो होंगे 10 आरएलडी के प्रत्याशी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, सपा मुख्यालय के बाहर से लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। तौकीर, जिस तरीके की हलचल आज सपा कार्यालय पर देखने को मिली, या यूं कहें कि पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, बड़ा धमाका। 29 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि आरएलडी के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर लड़ेंगे और सपा के प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे। ये किस तरीके की खिचड़ी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ी हुई है, लेकिन जो आज तापमान है, सियासी तापमान है, वो लगातार बढ़ता नजर आया। सुबह से ही समाजवादी खेमे में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार इधर नजर आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से निकले, उसके साथ ही करीब 6 ऐसे विधायक है भारतीय जनता पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस कार्यालय पे मौजूद थे, वो भी यहां से निकल के गए। उनको सभी का कहना है कि वो अखिलेश यादव के पूर्णतः साथ में है। अखिलेश यादव के बाहर निकलते ही एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 29 प्रत्याशियों का जिक्र है। खास बात है कि 10 प्रत्याशी समाजवादी सिंबल पे हैं और 19 प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर नजर आ रहे हैं। और इसमें खास बात यह भी है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कुछ दिन पहले ही अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से एक नाम है हरिंद मलिक का, जिनके बेटे पंकज मलिक का भी टिकट इसमें फाइनल हुआ है, जो मुजफ्फरनगर से चुनाव में मैदान में नजर आएंगे। और हरिंद मलिक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो जिनको तरजीह दी गई है, और एलडी गठबंधन के बाद ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया गया है जो जिताऊ कैंडिडेट है। सिंबल का उसमें बहुत ज्यादा मायने नहीं दिया गया है। अगर वो आरएलडी की टीम से है तो आरएलडी के, वरना अगर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो सीट पर आरएलडी दावा कर रही है तो उस पर आरएलडी के टिकट पर उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा रहा है। तो बड़ा उलट फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आज पूरा गहमा गहमी भरा दिन था। ठीक है, तो आखिर जिस तरीके से आप तमाम जानकारी दे रहे हैं, इस बीच तमाम दर्शकों को मैं ये जो लिस्ट जारी हुई है वो लिस्ट मैं दिखाना चाहूंगी। और इस लिस्ट पर सबसे बड़ी बात है कि पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। और इस लाइन से संकेत है कि पहले चरण का जो चुनाव है तौकीर, वो अपने आप में बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जिन सीटों का इसमें जिक्र है, सीटें तमाम दर्शक इस समय देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कैराना, शामली, चढ़थावल, पुरकाजी, खतौली, नरटोह, किठौर, मेरठ, बागपत, लोनी, इसके अलावा साहिबाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुर, जेवर, बुलंदशहर, स्याना, खैर, कोल, अलीगढ़, बहुत सारे नाम हैं तौकीर। और ये नाम, इन नामों के आगे, इन जगहों के आगे जिन प्रत्याशियों के नाम हैं, वो अपने आप में बीजेपी की चिंता बढ़ा सकते हैं कि आखिरकार इनके टक्कर में अब क्या।
जी देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत जो थी वो पश्चिम यूपी से हासिल की थी 2017 के चुनाव में और उसी में सेंधमारी लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये पहली जो लिस्ट आई है 10 फरवरी को पहला मतदान होना है पहले चरण का और पश्चिम से ही ये बयार बहेगी। इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले लिस्ट पश्चिम के लिए जारी की है और आरएलडी के साथ उनका गठबंधन है और आरएलडी भी अपना दबदबा रखती है पश्चिम यूपी में। उसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर जो किसानों ने जो रोष था, ये चाहूंगी कि समय बहुत कम है, एक बार आपके पीछे जो तमाम सपा के कार्यकर्ता खड़े हैं इनसे पूछिए कि पहली लिस्ट को लेकर के ये क्या सोचते हैं। देखिए पश्चिम की पहली लिस्ट आई है, आप लोग आए हैं यहाँ पर, आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई, क्या लगता है कितना बदलाव दिखता है इस गठबंधन से? 90% जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें हैं उसमें 90% सपा और लोकदल जीत के आए गए और ये स्पष्ट है, इसमें कोई दौर नहीं। अभी आप लोगों ने प्रत्याशियों के नाम देखे, क्या लगता है सहमति है उसमें? इसमें 1,00,000% सहमति है, सॉरी 1,00,000% सहमति है। जो भी प्रत्याशी कहाँ से आते हैं? मेरी सादाबाद विधानसभा है और सादाबाद आप पश्चिम से ही आते हैं, पश्चिम की जो लिस्ट आई है अब आपको क्या लगता है आरएलडी के साथ गठबंधन में जो नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए? अमरपाल शर्मा तौकीर शाहिबाबाद से, अमरपाल शर्मा का नाम है, अमरपाल शर्मा को लेकर के कितनी सहमति है इनसे ये पूछने की कोशिश की जाए। शर्मा का टिकट हुआ है साहिबाबाद से, अमरपाल शर्मा, अमरपाल शर्मा का नाम हुआ है, क्या समाजवादी कार्यकर्ता अमरपाल शर्मा के साथ है? 1,00,000% बिल्कुल के साथ है, तय दिल से, कोई रोशनी, कोई दावेदारी नहीं, संकोच नहीं, कुछ नहीं। जो भी भाई है ना टिकट दे दी है पश्चिम में, किठोड़ हो या शहर हो या मुजफ्फरनगर या गाजियाबाद, समाजवादी पार्टी के साथ सभी बिरादरी हैं और पूरी जान से ताकत के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। और जो दल जो नेता है जो बाहर से आए हैं, जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और उनको टिकट अगर हो रहा है तो उससे समाजवादियों को दिक्कत होगी? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय, अखिलेश भैया का जो निर्देश होगा वो हर कार्यकर्ता मानेगा और सिर्फ कार्यकर्ता को तो सरकार बनाने का काम लक्ष्य है। मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं आवेदक हूँ कोल से, लेकिन भैया जिसे निर्देश देंगे उसी को लड़ाएंगे। हम तो सिपाही बन के, हमें तो सरकार, हम मुजफ्फरनगर ये जो कोल से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इनसे बात कीजिए। सलमान सईद का नाम यहाँ से फाइनल हो चुका है, क्या इससे किसी तरीके का मतभेद नहीं उत्पन्न होगा क्या पार्टी में? सलमान सईद का नाम फाइनल हुआ है, सलमान सईद हमारे यहाँ कोई आवेदक नहीं है, कोल सीट विधानसभा से कोई आवेदक नहीं है सलमान सईद, इसमें नाम है उनका, इसमें नाम है, मैंने भी देखा है, लेकिन सलमान सईद हमारे यहाँ कोई आवेदक नहीं है। मैं खुद आवेदक हूँ, लोकल हूँ, तो बाहर आ गई ना। चलिए बहुत शुक्रिया तौकीर अहम जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से। जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं सपा कार्यालय के बाहर लगातार गहमा गहमी, ठंड बढ़ती हुई, हो सकता है कि कपड़ों की लेयरिंग बढ़ जाए, लेकिन ये जो गठबंधन है पार्टियों का ये बहुत बड़ी खिचड़ी साबित होने वाला है कर की खिचड़ी से पहले। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर विचार के लिए बीजेपी की बैठक खत्म हो गई, वर्चुअली हुई थी बैठक। बैठक के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमने 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की है, हम यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करेंगे। एक तो 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी खुद शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं शलभमणि त्रिपाठी। पहले बहुत बड़े बेहतरीन पत्रकार हुआ करते थे लेकिन अब मीडिया सलाहकार हैं। इस्तीफे की वजह उन्होंने बताई है, सर्वे रिपोर्ट लीक होना एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा है विधायकों ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सर्वे के अनुसार बुरी तरीके से ये तमाम लोग हार रहे थे, कई बीजेपी विधायकों के टिकट भी कटने वाले थे। ये कहना है शलभमणि त्रिपाठी का। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है ये ट्वीट इस समय का धमाकेदार ट्वीट। शलभमणि त्रिपाठी पहले व्यक्ति जो तमाम इस्तीफों के बाद उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला है और बोला है, लेकिन त्रिपाठी जी ये बताना भूल गए कि आखिरकार 5 बार का विधायक जो अपने क्षेत्र में 5 बार से
सत्ता पर आसीन है, फिर वो किसी भी दल में रहा हो, लेकिन उसने पार्टी का दामन क्यों छोड़ दिया? अनिल के अंकुर हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है अनिल जी। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार भागम भाग बीजेपी में बनी हुई है, पहला बयान सलभ मणि त्रिपाठी का साफ तौर पर कहते नजर आए, सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई थी, लेकिन साहब ये बताना भूल गए कि पांच बार से जो विधायक थे उनके लिए क्या सर्वे रिपोर्ट क्या मायने रखती है? जी, देखिए, मुझे ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि सलभ मणि जी, जैसा कि आपने बताया कि वह पत्रकार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है और ओएसडी भी है सरकार के, तो ऐसी स्थिति में जो इनका बयान है वो निश्चित रूप से जो हालात है, मौजूदा हालात है, उसको एक पैबंद के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि हम बता दें आपको, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2017 के चुनाव में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ा था, और वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे बहुजन समाज पार्टी में, उन्होंने नाता तोड़ा, उनको जैसे ही वो भाजपा में आए तो मायावती ने भी किसी प्रकार का बयान जारी कराया था कि मैं तो उनको पार्टी से निकालने जा रही थी, ये अपने बेटे और बेटी के टिकट मांग रहे थे, उन्होंने आधार खो गया, इसलिए मैं गुजर रहे। ये तो जो बड़ी कॉमन फेनोमेना है, जो अगर दूसरी पार्टी में जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि पांच बार लगातार जहां जब रहे तो मंत्री रहे, तो ऐसा छोटा एक सवाल यह निशान है, निश्चित रूप से कद्दावर नेता है, उस कद्दावर नेता को आर हम इतने हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं, और लोगों के बारे में नहीं कहा जाता है, बस जहां तक उन्होंने इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ तो बयान आएगा, सलभ मणि त्रिपाठी का बयान पहला बयान है, इसको एक तरीके से डैमेज कंट्रोल के तौर पर लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम राय साझा करने के लिए। तो यूपी की सियासत में लगातार उठक पटक का दौर जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लग गई। आज फिर मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। जनता टीवी से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, देखते रहिए, अभी बहुत लोगों का आना बाकी है, भाजपा के उपेक्षा से नाराज हमारे समाज के नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, 14 तारीख को धमाल होगा। और क्या कुछ कहा है सुनिए। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हिंदू भावनाएं, देवी देवताओं की भावनाएं भड़काने के आरोप में आप पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, क्या आप 24 जनवरी को एमपीएमएल कोर्ट में पेश होंगे? पहली बात ये कि जो मामला न्यायालय का है उस विषय पर मैं कोई भी बयान न्यायालय के बाहर नहीं दे सकता। तो आप 14 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपकी अगर सलाह है तो निर्णय वही होगा। तो मतलब आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मूड बना चुके हैं? बिल्कुल बना चुके हैं, और साथ ही साथ समाजवादी वो प्लेटफॉर्म होगा जहां पर अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक साथ खड़े होंगे, समाजवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करेंगे। क्या आपको समाजवादी पार्टी अपने आपके बेटे के लिए टिकट देगी उचहार सीट से, जो आपका लगातार मांग है? बेटा क्या, हमारे सामने पूरा उत्तर प्रदेश, भाजपा का आरोप है कि आप बेटे के लिए टिकट मांग, हम पूरा उत्तर प्रदेश की सत्ता छीन रहे हैं। लेकिन भाजपा का आरोप है कि आप बेटे के लिए, आपको मुबारक हो, आप ले लीजिएगा, हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें तो भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्तगी और यहाँ से विदाई चाहिए। आप ओबीसी वर्ग के भाजपा के सम्मेलन में कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है, लेकिन अचानक आपका मोहभंग हो गया भाजपा से। आपको मालूम है, अगर ओबीसी या एससी या एसटी के लिए काम किया होता तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते, इन्होंने बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले सारे मेडिकल कॉलेजों में एक तो वर्ग विशेष के लोगों को रख दिया, अनुसूचित जात पिछड़े वर्गों को। धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया अब, लेकिन मिल नहीं रहे, वो है कहाँ, आपको पता है कहाँ पे है वो? वो जहाँ है हम जानते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो मतलब आप उनको भी साइकिल की सवारी कर रहे हैं? हमारी कहाँ पे बता तो दीजिए, मीडिया ढूंढ रही है। हम सबकी खबर रखते हैं, आप उससे बेखबर रहिए। अभी कितना हैट्रिक लगाने वाले हैं विधायकों का? ये लगातार चलता रहेगा। अभी कितना चलेगा? ये लगातार चलता रहेगा, 14 के बाद ही चलेगा। भाजपा के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। भाजपा ने जो अन्याय किया है उसका पाप भी उसे भोगना पड़ेगा। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पे कहना था कि भाजपा ने जो अन्याय किया उसका भुगतान, और ये जो इस्तीफे का दौर जारी है अभी रुकने वाला नहीं है, अभी लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या होता है। कैमरामैन सनी के साथ में अजय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, यानी कि अभी एक महीने का समय पूरा बचा हुआ है, एक महीने में सिर्फ 3 दिन कम हुए हैं, और 3 दिन में 3 विकेट,
खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख उत्तराखंड का करते हैं। हरिद्वार से जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेट स्पीच मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच का मामला, पुलिस ने 153A के तहत मामला दर्ज किया है। नारसन बॉर्डर से पुलिस ने जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, हम तस्वीरों के साथ में आपकी टीवी स्क्रीन पर, वसीम रिजवी गिरफ्तार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास खरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। विकास, क्या कुछ अपडेट है? धर्म संसद में जिस तरीके की चीजें हुई वो वाकई नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि वो तमाम लोग कह रहे हैं कि ठीक है ये अभी नहीं बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे। अब गिरफ्तारी हो गई है जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की। बिल्कुल, पता आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश हरिद्वार आ रहे, भड़काऊ भाषण देने में लगे। उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी आखिरकार उत्तराखंड पुलिस के हत्या चढ़ी गए और गौरतलब है कि 12 नवंबर को प्रेस क्लब हरिद्वार में भाषण देने में हुई गिरफ्तारी, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष दिलसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसी को लेकर दिसंबर 2021 में वसीम रिजवी ने हरिद्वार में आकर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब पर अभोषणीय टिप्पणी करते हुए विवादित पुस्तक का विमोचन किया था। यही नहीं, हरिद्वार में मुजतवाना में आयोजित कथित धर्म संसद में भी इस्लाम धर्म को लेकर काफी अपमानजनक टिप्पणी रिजीव द्वारा की गई थी। जिस प्रकार धर्म संसद में रिजीव के अतिरिक्त अन्य संतों द्वारा इस्लाम धर्म को अपमानित करते हुए मुस्लिमों का कत्ल करने का आह्वान किया था, उसको लेकर भी काफी बवाल होने पर आखिरकार पुलिस ने रिजीव सहित 5 अन्य संतों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। धर्म संसद में दिए गए इस प्रकार के भड़काऊ भाषण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उछलने पर उत्तराखंड पुलिस ने कठोर कार्रवाई करने की मंशा से 10 मुकदमों की जांच एसआईटी से कराए जाने का निर्णय लिया था। पिछले सप्ताह से एसआईटी और जो कोर्ट से जांच मिली गई थी, आखिरकार भड़काऊ। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है और एक ही फेज में पूरे सूबे का चुनाव होगा। प्रदेश में सत्ता में वापसी की संभावनाएं देख रही कांग्रेस इंटरनेट मीडिया पर पहले से ही काफी ज्यादा सक्रिय चल रही थी। सत्तारूढ़ दल और सरकार के खिलाफ तीखे तेवरों के साथ लड़ाई छिड़ी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी निर्णायक लड़ाई की तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उनका साफ तौर पर कहना है कि डिजिटली आपको प्रचार करना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, चमोली, पिथौरागढ़ समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े वेबिनार्स को संबोधित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यम से लोगों से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। इस तरह हम वर्चुअल तरीके से अधिकांश लोगों से जुड़ सकें, उसके लिए प्रयास जारी है, बैठकें जारी हैं। और वर्चुअल तरीके क्या होते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी गाड़ी में स्क्रीन, टीवी स्क्रीन लगा के उसके माध्यम से भाषण रिकॉर्ड कर वहां तक लोगों तक पहुंचाए जाएं, यही डिजिटल माध्यम जो है उन्हीं के माध्यम से होगा और उस पर विचार किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि ये तैयार। तो भैया आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज रुद्रपुर के होटल रुद्र कॉन्टिनेंटल में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया, इनके पास बेनामी संपत्ति है, ये संपत्ति जनता को लूट कर आई है। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, छोटे छोटे गांवों में भी पता है आज। तो चलिए फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के और तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। बादामी संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, परिजनों ने बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, इलाज के दौरान युवक की जिला अस्पताल में मौत। महाराजगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन लोग घायल हो गए, इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गोरखपुर में युवक की पिटाई कर सिर मुंडवाने का वीडियो हो रहा है वायरल, युवक पर छेड़खानी का आरोप, वीडियो के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बादामी में दिनदहाड़े चोर मोबाइल फोन छीन कर रफूचक्कर हो गए, 15 दिनों से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, पुलिस के सामने से ये चोर फरार हुआ। मंडलायुक्त बरेली ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, वहां मौजूद लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरदोई में तंबाकू कारोबारी पर आयकर का छापा, मौके पर कई अधिकारी मौजूद। ताजनगरी आगरा में कोहरे की चादर ने इसको ढक लिया है, घने कोहरे के चलते आवागमन बाधित, चालकों को परेशानी। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां, आरोपी ने चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस भी उससे बरामद किया गया।
औरैया में जनरल स्टोर से लाई गई खाद्य सामग्री का सेवन करने से मासूम बच्ची के मुंह के अंदर विस्फोट। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। बुलंदशहर में नालों पर हो रहे अतिक्रमण पर चला पालिका का बुलडोजर। नालों की सफाई न होने की वजह से बरसात के मौसम में जलजमाव की स्थिति। उदयपुर में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। रात भर फसल बचाने के लिए लगे रहते हैं किसान। हमीरपुर में मुस्कुरा पुलिस ने पकड़ी 500 लीटर अवैध शराब, लगभग 5 क्विंटल लहन भी बरामद। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदा, मौके से मासूम की मौत। ट्रक चालक मौके से उचक्कर, पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर कर रही है कार्रवाई। गोंडा में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कोरोना डीएम मार्कंडेय शाही समेत 56 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जिले में कोरोना के 153 एक्टिव केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 177। फरुखाबाद में पुराने विवाद में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, युवक के सिर में आई गंभीर चोटें। रायबरेली में चुनावों के मद्देनजर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दबिश के दौरान लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 900 किलोग्राम लाहन मौके से पे किया गया नष्ट। बुलंदशहर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। 20 हिस्ट्री शीटर्स के घरों पर पुलिस ने दी सीधी दस्तक। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना के बीच मकर संक्रांति स्नान स्थगित किया गया। उत्तराखंड की सभी सीमाओं को सीज किया गया, यात्रियों को बॉर्डर से वापस भेजा गया। प्रयागराज में एक महिला की गोली मारकर हत्या, मौके पर पुलिस ने आला अधिकारी पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। प्रतापगढ़ में दबंगों ने दलित महिला के जमकर की पिटाई, पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, न्याय की गुहार। हमीरपुर में गैस सिलेंडर से मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फतेहपुर में भाई ने बहन की गला काटकर की निर्मम हत्या, क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम देखकर भाई ने रची थी बहन की हत्या की साजिश। महाराजगंज पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 अवैध हथियार और कई जिंदा कारतूस भी बरामद। प्रतापगढ़ में धारा 144 की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, सपा के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल ने क्षेत्र में की बैठक, शकील अहमद पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। रायबरेली में नोडल अधिकारी सुजाता शर्मा विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची, जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतुष्टि भी जाहिर की।